ट्री प्लांट लगाने की कोई योजना नहीं है। और आइए एक बार समझते हैं कि क्या नए अपडेट्स इस एजीएम से निकल कर आए। बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, गुड आफ्टरनून, बताएं। फोकस में रहेगी टाटा केमिकल्स। स्टॉक जो है अपने मई की हाई से लगभग 23% का गिरावट देख चुकी है, लेकिन आज जो है वॉल्यूम्स लगभग 7 गुना बढ़ चुके हैं उनके 20 दिन के एवरेज से। उनके एजीएम कल हुई थी और वहां उनके जो चेयरपर्सन है पूरे ग्रुप के, टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखरन, उन्होंने कहा कि कंपनी जो है एक नई बैटरी प्लांट सेटअप नहीं करेगी आपकी ईवी स्पेस के लिए। और दूसरा बात है कि कंपनी जो है उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस पर फोकस करने वाली है। कैपेक्स प्लान्स लगभग 5,000 करोड़ का लाइंड अप है। हालांकि जो ग्रुप कंपनीज है स्पेशली टाटा मोटर्स, उनको जो है ईवी स्पेस के लिए जो लिथियम कार्बोनेट की जो सप्लाई है या उसकी जो इम्पॉर्टेंट हेल्प है वो कंपनी देते रहेगी। और याद रखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके ईवी सेक्टर के लिए, लिथियम कार्बोनेट। और आखिरी में जो है कंपनी ने कहा कि उनके जो है 3S फिलॉसफी, सिंप्लीफिकेशन, सिनर्जी और स्केल पे फोकस करने वाली है। अगर पहले तिमाही के जो एक्सपेक्टेशंस बताई कंपनी के, तो यहाँ पे जो है उनके जो सोडा ऐश सेगमेंट है वहाँ पे एक रिस्क रहने वाली है डिमांड में भी और मार्जिन्स में भी, क्योंकि जो है ओवरऑल ग्लोबल स्लोडाउन देखने मिला है आपके डिमांड का और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के कारण। और ये जो इम्पैक्ट है ग्रॉस मार्जिन्स का, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग 530 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हमने एनालिस्ट स्टेक भी जो है निकाली स्टॉक की, लगभग 75% एनालिस्ट का यहाँ पे बाई रेटिंग लगा है। और अगर देखा जाए तो 12 महीने के जो टारगेट प्राइस है वो 1,000 रुपीज़ एंड 88 रुपीज़ पर शेयर है। इसका मतलब जिसको रिटर्न पोटेंशियल करंट मार्केट प्राइस से लगभग 36% का होगा। ओके शरद, शुक्रिया टाटा केमिकल्स एजीएम के टेकअवेज हमारे सामने रखने के लिए। तो क्लियरली एक इम्पैक्ट एजीएम के बाद स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला है और इसके चलते टाटा केमिकल्स फोकस में। लेकिन इस बीच एबी फैशन, स्वाति, इस स्टॉक पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि रिसेंटली की अगर बात करें लगातार एबी फैशन, नायका जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में भी है और एबी फैशन में आज अच्छी मजबूती है, करीब 4% के अपमूव्स आज के सत्र में देखे जा चुके हैं। इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? यस, एबी फैशन की बात करूँ तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। 2 दिन पहले उसने मानसिक 20 DMA का एक ब्रेकआउट दिया है, तो मोमेंटम में है ये काउंटर। अपसाइड में मुझे लगता है 265-270 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो करंट लेवल पे बाय भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक में 240 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। यू कैन बाय एट CMP, इमीजिएट टारगेट विद बी 270-280 लेवल्स। क्विकली आप अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन भी दे दीजिए, बी क्विक प्लीज। यस मानसी, आज मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। सिंस आईटी पैक काफी अच्छे परफॉर्म करे तो 1 विल बी ऑन द टेक महिंद्रा। ऑलरेडी काफी स्टॉक में करेक्शन देख चुका है, तो अपसाइड आई बिलीव इसमें पोटेंशियली पुल बैक रैली देखने तक 1,000 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा एंड बाय कीजिएगा टेक महिंद्रा। सेकेंड वन इट विल बी ऑन दीपक नाइट्रेट, दीपक NTR। ये भी काउंटर काफी लोअर साइड में है, ओवरसोल्ड जोन से उसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक रैली इनटू दीपक NTR। ऊपर में मुझे लगता है 1830 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो दीपक NTR बाय कीजिएगा एट करंट मार्केट प्राइस। 1740 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 1820 के टारगेट के लिए।